रोजगार सृजन हेतु अलग से भी कार्रवाई की जा रही है। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों को 5 लाख रुपए अनुदान एवं 5 लाख रुपए ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। महोदय, वर्ष 2022-23 में लगभग 8,000 लाभुकों का चयन कर प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें लाभान्वित किया गया है और वर्ष 2023-24 में यानी इस बजट में 800 करोड़ रुपए का इस हेतु प्रावधान किया गया है। महोदय, नए विचारों एवं नवाचार के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई स्टार्टअप नीति 2022 लागू की गई है। इस नीति के तहत स्थानीय युवाओं की क्षमता का लाभ उठाकर बिहार को स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरने हेतु सक्षम बनाना है। इस नीति के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के कैपिटल सीड फंड, जो महिला के मामले में 5% अधिक और अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग के मामले में 15% अधिक का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष 19 नव चयनित स्टार्टअप को 84 लाख रुपए का सीड फंड प्रदान किया गया है। महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत प्रति पंचायत 7 लाभुक जिसमें 4 अनुसूचित जाति के या जनजाति के एवं 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के यात्री वाहन ई रिक्शा एवं एम्बुलेंस के क्रय पर अनुदान दिया जाता है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन के साधन उपलब्ध हुए हैं एवं युवाओं को भी रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। महोदय, बिहार कौशल विकास मिशन के तहत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अब तक कुल 19,778 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं वर्तमान में 171 कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से कंप्यूटर संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 6,468 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष 2023-24 में इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महोदय, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में कुल सीटों की संख्या 8,774 से बढ़ाकर 10,965 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 96 से बढ़ाकर 126 की गई है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा स्तर पर नवीनतम विधाओं, महोदय नई नई जो नए नए विषय आ रहे हैं जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आदि में पाठ्यक्रम का संचालन प्रारंभ किया गया है। साथ ही 2 नए पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना भी की गई है जिसके उपरांत सीटों की संख्या 11,211 से बढ़कर 12,321 हो गई है। महोदय, अभियंत्रण महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर अतिरिक्त निश्चय 2 का प्रथम अवयव युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। राज्य की 32% से अधिक आबादी युवाओं की है। युवा भविष्य के आधार होते हैं। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा है। इस हेतु युवाओं को सरकारी नौकरी इस हेतु युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा उनमें स्वावलंबन और आत्मविश्वास पैदा कर रोजगार सृजन की ओर उन्मुख करने हेतु सरकार प्रयासरत है। इसके तहत सरकारी स्तर पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता बढ़ाने के साथ पूंजी की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके तहत राज्य के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 2023-24 के बजट में इसको प्राथमिकता दी गई है। महोदय, राज्य के
के विभिन्न पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को लगभग 49,000, कर्मचारी चयन आयोग को लगभग 2900 तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लगभग 12,000 अर्थात कुल 63,900 पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी है। उन्होंने बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति हेतु पुलिस कर्मियों के कुल 75,543 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। महोदय, राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 90,762 विज्ञापित पदों के विरुद्ध 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है और शेष 48,762 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। महोदय, राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के नवसृजित 8,386 पद के विरुद्ध अब तक 2,500 अनुदेशकों की नियुक्ति की गई है, शेष 5,886 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। महोदय, राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,506 सृजित पदों के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु छठे चरण के अंतर्गत कुल विज्ञापित 32,714 रिक्तियों में से 2,716 की नियुक्ति की जा चुकी है और सातवें चरण के लिए भी माध्यमिक शिक्षकों के 44,193 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों हेतु 89,734 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। महोदय, राज्य के उत्क्रमित एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 प्रधानाध्यापक का पद सृजित किया गया है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा अनुशंसित 369 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। शेष पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई महोदय प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षक के 7,360 एवं विशेष शिक्षक के 270 पद सृजित किए गए हैं। महोदय, अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों के लिए स्वीकृत कुल 3,021 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। गत एक वर्ष में विभिन्न विषयों में अलग अलग अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में कुल 522 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। वर्ष 2022-23 में अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए पाठ्यक्रम के संचालन हेतु क्रमशः 19 एवं 118 अर्थात कुल 217 नए शिक्षकों एवं कर्मियों के पद सृजित किए गए हैं। वर्ष 2022 में महोदय, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कुल 48 अभ्यर्थियों की सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है, जिसे संबंधित विश्वविद्यालयों को नियुक्ति हेतु भेजा जा चुका है। राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 2022 में 356 व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई है। राज्य के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में 165 नर्सिंग अनुशिक्षक यानी ट्यूटर की नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्रवाई की गई है और लगभग 10,550 ANN की नियमित नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। महोदय, राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी के अलावे रोजगार सृजन हेतु अलग से भी कार्रवाई की जा रही है। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु